इस बार हम लोग फार्म बना करके लॉन्च पे शूट कर रहे थे। थोड़ा सा सोचे कि रॉकेट हो गए थोड़े उड़ेंगे ना मस्त। यहाँ पे हम लोग लॉन्च पे उतर रहे थे। यहाँ के स्टार्टिंग में उतनी कोई खास स्किल तो नहीं हुए, लेकिन जो लास्ट में जो इंटेंसली फाइट हुई थी वो बहुत मस्त हुई। यहाँ पे जैसे मैं कि आराम से ऊपर उतरता हूँ, ऊपर से गन वन लेता हूँ, ICR ले लेता हूँ, प्लस PKM गन ले लेता हूँ। तो नहीं हम अच्छा है, अगर ICR लिए हुए हैं तो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज के लिए अच्छा है। और साथ साथ में यहाँ पर एक अच्छे, अगर आप बैटल ग्राउंड खेल रहे थे, साउंड का बहुत काफ़ी महत्व है, जिसके हिसाब से आप खेल पाइएगा सही से। अगर आपको खेलना है तो ज़रूर से हेडफोन लगा के, बिना हेडफोन के लगाइएगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल करूँ जैसे भी यहाँ साउंड के हिसाब से मैं यहाँ पर देखिएगा, बहुत बार मैं इधर उधर भागते रहता हूँ, उसे साउंड के हिसाब से ही रहता हूँ। यहाँ मैं एक दो बॉट का किल्स भी हटा लेता हूँ, क्योंकि भाई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दूर गया, मैं किल्स के लिए कहाँ कहाँ नहीं चल जाता हूँ। तो फिर यहाँ पे एक लॉन्च पेस में मैं यहाँ उतरा हूँ, उसका मैं बस स्टैंड भी जाता हूँ, प्लस फार्म भी जाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि एक ठो को मारता हूँ, लूटपाट करता हूँ, सोचता हूँ कि और भी थोड़ा बहुत लूट करूँगा। ऐसे करके मैं आगे जाते रहता हूँ, भैया यहाँ से आगे जाके आराम से पहले से जाऊँगा वहाँ। तो पता चलता है कि एक बंदा वहाँ से लॉन्च पहले फार्म से आ रहा था, और फार्म से यहाँ आकर लूटने की कोशिश कर रहा था मेडिकल किट। और मेडिकल किट लूट रहा था तो मैं तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ही, तो उसे मार देता हूँ। और मारने के बाद फिर मैं यहाँ से सोचा कि जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर रुक के देख लिया था, तो पीछे से कि छुपन छुपाई खेलने के लिए एक बंदा है, एकदम छुपन छुपाई कर रहा है, इधर जा रहा हूँ तो वो उधर जा रहा है, इधर जा रहा हूँ तो उधर जा रहा है, छुपन छुपाई खेल रहा मेरे साथ। हाँ भैया, तो यहाँ पर तो हम कहते हैं हाँ भैया सरप्राइज़ सरप्राइज़ करके मैं मार देता हूँ। मारने पर फिर मैं चल देता हूँ उससे फिनिश करके, भैया चलो लो फिनिश हो जाओ, चल दो यहाँ से। अब मैं यहाँ से चल देता हूँ, यहाँ से गाड़ी लेके जाने लगता हूँ। तब तक इसकी पहाड़ी पे जो जो पहाड़ी है इसी पर जाती थी मैं, यहाँ गाड़ी पूरा फुल स्टाइल में ना गाड़ी अगर चलते रहती है मैं उतर जाता हूँ, गाड़ी बहुत दूर जाकर फेंकाती है। तो मैं यहाँ पर हूँ तब तक दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होती है मैं उसको किल चोरी कर लेता हूँ, बेचारा जो नॉक था उसको फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पे फिनिश करने पर उस बंदे को भी निकालते, वो बंदे को मार देता हूँ, प्लस इसके एक्स्ट्रा बंदे रहते हैं इसको भी मार देता हूँ। तो पीछे से भी एक ये बॉट आता है, बॉट था कि ये बंदा था पता नहीं चला, नाम से तो ये बंदा ही लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि बॉट है, इसे भी मार देता हूँ। और फिर मैं यहाँ से चल देता हूँ। तब तक एक और यहाँ पर फिर बंदा आ जाता है, जैसे फिर यहाँ पर अपना वही लूट का अधिकार है तो लूटते रहो, यहाँ पर लूटने का अपने हेल्थ रिकवर कर रहे, तब तक वो आ जाता है। यहाँ पे भी मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये बॉट था बंदा था, लेकिन यहाँ जिस तरह से डैमेज दिया मुझे लगा कि बंदा ही है ये, और बंदा था तो भाई अच्छा खासा जो डैमेज दे गई। अब मैं यही चीज़ यहाँ से चल जाता हूँ फार्म पे, फार्म पे भी यहाँ पे भी वही चीज़ें, मैं यहाँ फार्म पे गया, फार्म पे वहाँ अचानक सारा करा सरप्राइज़, तो हम मैंने भी सरप्राइज दे दिया, दो वक्त खोपड़ी पे लगा हो गया। और यहाँ पे उसका दो किल्स के लिए मैं इधर उधर गया, एक बस स्टैंड गया और एक करते बस स्टैंड गया, हाँ एक फार्म पे एक किल हुआ। और यहाँ पर फार्म के साइड में जो हिल्स है जहाँ पे कल जॉम्बी वाला बड़ा सा वो रहता है दाना, वहाँ पे मैं फाइट कर रहा था। और यहाँ पे जो इंटेंशनली पहले पहले दूसरे बंदे को तो मारने में मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद जो दो बंदों ने मुझे छकाया है, ये भी उधर से आ रहा था बेचारा, अपने आप को सोचा कि मेरे को मारेगा तो मैं मार दूँ, अपना हेल्थ रिकवर करता। वो जो ऊपर वाले पहाड़ी में दिख रहे हैं सबसे ऊपर में, वहाँ से वो लोग करते देखिए, जिस तक मैं यहाँ से हेल्थ रिकवर कर रहा हूँ, यहाँ पूरे फुट डैमेज दिए, इस प्रकार से लोग इतना डैमेज दे रहे थे वहाँ से, पता क्या कौन सा गन रखे थे पर डैमेज दे रहे हैं मुझे। मैं भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्नाइपर्स तो थी नहीं, ना ही मेरे पास एक अच्छा स्कोप था, तो ये मैं अच्छा एकदम करूँगा, क्योंकि ये सब जो CR Max और RUS 79 है, ये थोड़ी लॉन्ग रेंज पे ये लोग बहुत ज़्यादा हिलने लगते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर हाँ मिड रेंज पे रहते हैं तो भाई मैं हिला कर देता, अगर RUS 79 और CR Max है, CR Max करते हैं क्लोज में और RUS 79 मिड में, कमाल की गन। अगर आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं आप कहिए तो एक जादू यूज़ कर रहे हैं। हाँ जैसे वो लोग दोनों ने एकदम कहा कि हम लोग दो बंदे हैं, यहाँ पर सिंगल बंदा है, वो दोनों ने एकदम खुले में रस किया एकदम। अब यहाँ से मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से यहाँ पे करता हूँ, राइट साइड में चलते अपने आप को ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि वो लोग को कन्फ्यूज जाए कि ये तो बंदा इधर था लेकिन मैं इधर से, जैसे ही यहाँ पे करता हूँ ट्रांसफ़र होकर इधर से मारने के जाता हूँ, वो लोग बेचारे कन्फ्यूज, डैमेज देता है पहले को देता हूँ, फिर यहाँ दूसरे को देता हूँ, यहाँ दूसरे को भी डैमेज दिया, अच्छा खासा डैमेज सब दोनों को पड़ा, दोनों को हेल्थ रिकवर करने के लिए। आई जब ये चीज़ हुआ वो तो वो दोनों अपना मेडिक यूज़ करते हैं, मेडिक में अपनी हेल्थ को रिकवर करते, मैं जान रहा था कि मेडिक में हेल्थ तो रिकवर हो गया लेकिन मैंने डैमेज दे दिए।
अब डैमेज दिया है तो मैं तो इतनी फ़ायदा उठाऊंगा ही, यहाँ पे तुरंत वो नॉक ऑफ फिनिश दोनों मार देता हूँ। नॉक ऑफ फिनिश अच्छा देने से फ़ायदा यही था उसका बंदा तुरंत ही लड़ाई के मूड में आ जाता, नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉक अपनी एबिलिटी यूज़ करता और अपनी एबिलिटी यूज़ करके मेरे को कू करता। लेकिन यहाँ अपनी एबिलिटी की जगह बेचारा गुस्से में मेरे को मारना है, मैं अपनी हेल्थ को रिकवर करता हूँ। अगर यहाँ गलती से किसी ने मेरी एक गोली भी मारी होती मेरा यहाँ गेम ख़त्म था। यहाँ पर भाई शुक्र है। और यहाँ पे जो लास्ट में देखिएगा अचंभव वाली घटना हुई कि यहाँ पे जो लास्ट के मेरे यहाँ तीन यानी कि दो बंदे और हैं, मुझे लगा कि ऐसे थे कि मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, अंदर जाता है तब तक पता चलता है कि इसके अंदर भी एक बंदा है। और इसके अंदर जो बंदा है वो कैंपिंग कर रहा है, वो जो था लास्ट बंदे को मारते हैं इसके अंदर होता है। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इतना कैंपिंग किया है, अपना एबिलिटी यूज़ कर लिया था जिसमें करंट लगता है वो वाली एबिलिटी यूज़ कर लेता है, और उस एबिलिटी के कारण मैं अंदर जा भी नहीं पाता। मेरे को लग रहा है मैं इसको तंग करने के लिए स्मोक फेंकता हूँ, यहाँ पर फालतू में गोल चला रहा हूँ, पीछे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भैया मैं भाग रहा हूँ तुम गोली चलाओ, कुछ नहीं भाई एकदम ढीठ की तरह अंदर ही अंदर एकदम इतना ज़्यादा बुक्कागिरी कर रहा है कि मत बोलिए हम फुल बुक्काबाजी एकदम अंदर घुसे हुए सो घुसे हुए घिसे हुए सो घिसे हुए। यहाँ पे देखिए मैं इसकी एबिलिटी को ख़त्म करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अंदर से यहाँ जाऊँगा यहाँ पे लूटपाट करता हूँ, यहाँ सामने में लूट रहा हूँ भाई कहाँ पे वो कोने में घुस के बैठा हुआ पता नहीं चलता, अंदर में घुस के कर रहा हूँ ये मारो आओ। मैं यहाँ घुसने की कोशिश किया तो देखिए यहाँ मेरे को लग गए, अब उसके कारण मैं अपने आप हेल्थ को रिकवर करने का कोशिश कर रहा हूँ कि अब इतना भी अगर होता तो वो चीज़ मेरे ऊपर अटैक करता, लेकिन नहीं करता ही नहीं। जब उसे जून डैमेज देता है तब वो बाहर निकलता, जैसे कि देखिए जून अब धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, लास्ट सबसे लास्ट जून अब बनेगा इसका फ्रीडम इंड सर्कल जोन बनेगा जो लास्ट जोन है। अभी बेचारा कहा करे यहाँ से यहाँ पे बम स्मोक जो मिल रहा है भाई आओ अंदर आओ, मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ एक गेम सबसे स्मोक वो हटा दे रहा हूँ स्कोप हटा दे रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट अब मैं यहाँ पे आयरन साइड से ही फाइट करूँगा। अब आयरन साइड से फाइट क्या करूँ कितना देर, क्योंकि तो फास्ट फॉरवर्ड में सोच रहे इतनी देर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ सोचिए कितनी देर तक वो लोग कर रहे हैं। अंत में जब जोन श्रिंक हुआ तब वो बाहर आया, अब मैं यहाँ अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ फुल रॉकी भाई स्टाइल में उनकी धड़ 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 मारूँगा यहाँ पे। बस यहाँ पे मेरे पास वो नहीं था फूक निकली, यहाँ पे आता है धड़ 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 खत्म।